नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं डी एस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ नया सीखेंगे। पिछले टॉपिक में आपने देखा था कंप्यूटर से रिलेटेड में कुछ नया टॉपिक पढ़ाया था, यानी अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा कंप्यूटर की उसकी हिस्ट्री बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हिस्ट्री दिखेगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं ट्रिपल सी या एस एस सी बैंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है और ये जनरेशन का पहला पार्ट क्या होता है, जनरेशन क्या है, ठीक है। हिस्ट्री में आपने पिछला टॉपिक्स देख लिया, नहीं कंफ्यूजन है तो सारे हिस्ट्री टॉपिक देखिएगा। जितने टॉपिक्स अभी पढ़ाए गए हैं ये एडीसीए डीसीए या ट्रिपल सी पूरे डिपार्टमेंट से जुड़े सिलेबस बनाया गया है। इसमें हर टॉपिक्स आपके सारे जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहले जनरेशन में कंप्यूटर क्या था, कैसे डेवलपमेंट किया। तो ये आपका है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसका डेवलपमेंट 1946 से 1956 के बीच में किया गया। ये जो कंप्यूटर डेवलपमेंट किया गया था, ये एक कंप्यूटर नहीं, ये कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाया गया था, जो डिवाइस का नाम था वैक्यूम ट्यूब। ये उस समय काफी बड़े कंप्यूटर होते थे, एक रूम के आकार के कंप्यूटर होते थे जिसके अंदर जाके आपको वर्क करना पड़ता था, ठीक है। उस कंप्यूटर में एक लाइट चलती थी जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, जैसे हर पार्ट में जिसके वजह से आने वाला आईसी है, हर मशीनरी जो पार्ट थे, तो उस समय सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब की वजह से हम कंप्यूटर पर अपना काम करना चालू किए। इससे डेवलपमेंट 1946 से लेकर 1955 के बीच में इसका डेवलपमेंट किया गया था। ये कंप्यूटर काफी बड़ा था, ये काफी बड़े आकार का होता था, इसकी साइज काफी बड़ी होती थी। जब ये कंप्यूटर ऑन होता था तो कम से कम 200 किलोमीटर रेंज का लाइट गैप हो जाता था, यानी काफी कंजप्शन पावर होती थी इसमें। और ये भाई जितना बड़ा था उतना स्लो प्रोसेस काम करता था। इसने जो वैक्यूम ट्यूब जिस कंप्यूटर जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम था, जिसका नाम फादर ऑफ वैक्यूम ट्यूब जॉन एम्बरोस फ्लेमिंग नाम का है, जिसने वैक्यूम ट्यूब डिवाइस का इजाद किया था। तो जिस ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको पहला डिजिटल कंप्यूटर बना दिया गया, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। इस कंप्यूटर का नाम था एरिक, क्या नाम था एरिक नाम था, इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो समझ में आया होगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।